जैसे बच्चों के जो खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं खासकर पॉक्सो एक्ट के अंदर, वो एक अवेयरनेस क्रिएट हो सके। मीडिया का क्या रोल है, बच्चों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती है, ये एक अपराध भी है। बच्चों की आइडेंटिटी किसी भी प्रकार से, उसका नाम है, उसका एड्रेस है, उसका फोटोग्राफ है, उसकी फैमिली डिटेल्स है, स्कूल का एड्रेस है, उसका नेबर कहाँ पे रहता, बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए, किसी बच्चे पे कमेंट नहीं करना चाहिए उसकी की उसकी प्राइवेसी, उसकी निजता का उल्लंघन हो। बच्चे देश का भविष्य है, हम चाहते हैं कि बच्चों को संजो के रखें। उनके खिलाफ कोई भी लैंगिक अपराध बिल्कुल नहीं होने चाहिए, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बच्चों की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई केस कोर्ट में आता है तो हर बच्चे का राइट है कि वो अपनी पसंद का वकील कर सकता है, अगर वो अपनी पसंद का वकील नहीं कर सकता तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी उनको वकील होगी। कोई गलत तरीके से उनको छूता है, बैड टच होता है, तो बच्चों को पता होना चाहिए क्या गुड टच क्या बैड टच है। सत श्री अकाल, सकड़ोल पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। सो अज चंडीगढ़ कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स वालों एक बाल अधिकारों ने लैके बालों की सुरक्षा लैके एक जागरूकता कार्यक्रम इतने आयोजित किया गया है। DLSA के मैंबर सैकटरी जिन्हें साढ़े इस वाले मौजूद ने, सो सर आज ये जो कार्यक्रम हुआ है इसका मकसद क्या था और क्या इसमें विचार विमर्श कार्यक्रम में किया गया? देखिए, चंडीगढ़ कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एक प्रोग्राम था, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, जैसे मीडिया पर्सनल हैं, हमारे स्पेशल जुनाइट पुलिस यूनिट के कर्मचारी हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो मेम्बर्स थे, डीसीपी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट थी, इन सब के लिए एक कैपेसिटी बिल्डिंग की, उनको अवेयर किया जाए कि कैसे हमारे जो पॉक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, उसके प्रोविजंस के बारे में बताना था, ताकि जैसे बच्चों के जो खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं खासकर पॉक्सो एक्ट के अंदर, वो एक अवेयरनेस क्रिएट हो सके। मीडिया का क्या रोल है, कई बार आपने देखा कि मीडिया न्यूज़पेपर्स के अंदर या किसी टीवी चैनल में भी बच्चों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज आती है, ये एक अपराध भी है कि किसी भी मीडिया पर्सनल को बच्चों की आइडेंटिटी किसी भी प्रकार से, उसका नाम है, उसका एड्रेस है, उसका फोटोग्राफ है, उसकी फैमिली डिटेल्स है, स्कूल का एड्रेस है, उसका नेबर कहाँ पे रहता, बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए, किसी बच्चे पे कमेंट नहीं करना चाहिए उसकी कि उसकी प्राइवेसी, उसकी निजता का उल्लंघन हो, उसकी रेपुटेशन ख़राब हो, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए। बाकी जितने भी हमारे CWC के मेम्बर्स थे, DCP नूट थे, उनके जो प्रोविजन्स हैं पॉक्सो एक्ट के और JJ एक्ट के, वो सारे आज बताए गए। डॉक्टर KP सिंह रिटायर्ड DGP हरियाणा ने पहला सेशन लिया था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड करेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, बाद में मैंने पॉक्सो एक्ट के प्रोविजंस के बारे में विस्तार से सभी को बताया, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य है, हम चाहते हैं कि बच्चों को संजो के रखें। उनके खिलाफ कोई भी लैंगिक अपराध बिल्कुल नहीं होने चाहिए, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बच्चों की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सब डिपार्टमेंट मिलकर काम करें, हर बच्चे को अधिकार है कि उसको लीगल एड भी मिले। अगर कोई केस कोर्ट में आता है तो हर बच्चे का राइट है कि वो अपनी पसंद का वकील कर सकता है, अगर वो अपनी पसंद का वकील नहीं कर सकता तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी उनको वकील देती है। DLSA और चंडीगढ़ जो चाइल्ड कमीशन है वो इस बारे में किस तरह के कार्यक्रम कर रहा है? चंडीगढ़ में एक दो पिछले समय में केस ऐसे सामने आए हैं पॉक्सो आइसोलेटर, तो उनकी क्या कारगुजारी रहती है? देखिए, हम हमारे जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर हमने स्टूडेंट्स लीगल लिटरेसी क्लब खोले हुए हैं हर स्कूल में, कॉलेजेस के अंदर, वो बच्चों को अवेयर करते हैं, स्कूल चिल्ड्रन को बताते हैं उनके अधिकार क्या हैं, ताकि कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, छोटे छोटे बच्चों के खिलाफ कई बार उनका पीछा करते हैं, स्टॉकिंग करते हैं, कोई गलत तरीके से उनको छूता है, बैड टच होता है, तो बच्चों को पता होना चाहिए क्या गुड टच क्या बैड टच है। तो स्टूडेंट्स लीगल लिटरेसी क्लब से हमारे PLVs होते हैं, पैरा लीगल वॉलंटियर्स, वो हमारे क्लिनिक चलते हैं, 12 क्लिनिक चल रहे हैं चंडीगढ़ में, वहाँ जाके आम जनता को अवेयर करते हैं बच्चों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं, और भी सोशल इशूज़ हैं जो बुराइयाँ हैं समाज में, भ्रूण हत्या है, घरेलू हिंसा, इन सब के बारे में आम पब्लिक को जागरूक किया जाए। धन्यवाद, शुक्रिया।